राशन तो केंद्र सरकार की ओर से भी मिलता है, प्रदेश की ओर से भी देते हैं, लेकिन साथ में कभी दाल कभी तेल ये चीजें प्रदेश की ओर से दिया करते थे। राशन कार्डों की संख्या 120 के बाद 180 हो गई, उनको बीपीएल मान लिया, लेकिन तेल उन्हीं को मिलता था 2 लीटर, जिनका इनकम पुराने समय के हिसाब से जो 1 लाख या 1 लाख 20 हजार था उन्हीं को मिलता था, 120 से 180 वालों को वो नहीं मिलता था। इस अगले महीने से अब ये तेल भी 180 तक के जितने कार्ड उन सबको मिला करेगा, और उसके अंदर भी एक घोषणा ही आज हमने करनी थी की है। हमने परिवार पहचान पत्र में इनकम के ऊपर एक कंडीशन लगाई थी कि जिसका बिजली का बिल 12,000 रुपए, पहले 9,000 था फिर 12 कर दिया था, 12,000 से ऊपर होगा उसको 180 के स्लैब में, उससे ऊपर के स्लैब में मानेंगे। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि मेरा बिजली का बिल किन्हीं कारणों से पिछला नहीं भरा था इसलिए ज्यादा आ गया, मैं तो अपने घर में और बैटरी जो है उसको चार्ज करता हूं इसलिए आ गया, मेरे घर में तो प्रेस का काम करता हूं इसलिए आ गया। तो हमने जितने भी 12,000 से ऊपर के लोग थे उनका सबके सर्वे करा लिया है, एक्चुअल सर्वे के आधार पर ही उसको बीपीएल माना जाएगा। बिजली के बिल की कंडीशन ये हम बिल्कुल खत्म कर रहे हैं।